आज मैं आपसे बहुत ही अलग तरीके के चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये है मखाना चाट, या फिर आप इसको मखाना भेल भी बोल सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा चटपटी, क्रिस्पी और खाने में बहुत ही मजेदार लगती है और बहुत ही झटपट बन जाती है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आएगी। तो आइए देखते हैं फटाफट से इसकी रेसिपी। मखाना चाट बनाने के लिए मैंने 1 कप मखाना लिया है और इसको हमें पैन में डालकर अच्छे से रोस्ट कर लेना है बिना घी तेल डाले। तो 3 से 4 मिनट तक हम इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मखाना अच्छे से भुन गए हैं, अब हम इसको एक अलग बाउल में निकाल लेंगे और आइए अब इसका चाट बना लेते हैं। तो एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, साथ में एक छोटा बारीक कटा हुआ टमाटर, और ये मैंने थोड़े से आलू लिए हैं बारीक काट कर उबले हुए, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। एक बार ये सारी सब्जियों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लें। आप सब्जियां इसमें अपने हिसाब से चाट में क्या क्या चाहते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। आधी छोटी चम्मच हम इसमें चाट मसाला डाल देंगे और थोड़ा सा नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम ज़्यादा कर लें, और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब 3 से 4 बड़ी चम्मच हम इसमें ये इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे और साथ ही में 2 से 3 बड़ी चम्मच हम इसमें ये हरी चटनी डालेंगे। ये दोनों चटनी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये दोनों चटनी डालकर एक बार और अच्छे से मिक्स कर लीजिए सारी चीज़ों को। और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। और अब बारी है इसमें मखाना डालने के, जो हमने पहले से रोस्ट करके रखे हैं। मखाना डाल के अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और ये हमारा लाजवाब मखाना चाट बनके तैयार है। या तो आप इसको एज इट इज सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको मखाना दही चाट बना सकते हैं। तो ऊपर से थोड़ी सी दही डाल दीजिए और थोड़ी सी ये इमली की खट्टी मीठी चटनी और थोड़ी सी हरी चटनी, और ये हमारी दही मखाना चाट फटाफट बनके तैयार है। बहुत ही ज़्यादा अलग तरह की चाट है और खाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी और टेस्टी भी। तो एक बार बनाना तो बनता है। तो आप मेरी इस मखाना चाट की रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।